हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारे जो मिशन है वो बहुत ख़तरनाक है। हमें माफिया के लिए ये गाड़ी चुरानी है जो कि जी टाइप गाड़ी है, और ये काफ़ी महंगी गाड़ी है जिसके लिए हमें हेलीकॉप्टर की मदद चाहिए। और ऊपर से हम ये ढूंढेंगे कि वो माफिया जिसके पास गाड़ी वो कहाँ है। तो हेलीकॉप्टर पर ड्राइवर रहेगा और जो हमारा फ्रैंकलिन है वो उस बंदे को ढूंढेगा, और ये गाड़ी चेज करेंगे हम, क्योंकि वो गाड़ी लेके भाग जाता है। और गाड़ी को हमें ले के उस आदमी के पास डिलीवर करना है जो माफिया के लिए फ्रैंकलिन काम करता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए हम गेम को स्टार्ट करते हैं। तो गेम में सबसे पहले जो होता है कि हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हेलीकॉप्टर जो होता है वो ड्राइवर यूज़ करता है। सो ये NYPD का हेलीकॉप्टर होता है जो कि पुलिस हमें मारने वक्त यूज़ करती है GTA गेम में। सेम हेलीकॉप्टर को यूज़ करके हम पता करेंगे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये जो हेलीकॉप्टर होता है, इससे अगर किसी बंदे के ऊपर अगर पॉइंट किया जाए कैमरा को, तो उस बंदे के बारे में पता चल जाता है कि वो बंदा कौन है, उसकी आइडेंटिटी पूरी रिवील हो जाती है। तो अभी एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले जो है ये किसी लोकेशन पे जाएंगे और एक बंदे को, जैसे इस बंदे को इसका नाम पता चल गया मुझे, और फिर ऐसे ही करके मैं दूसरे ढूंढूंगा। हमें उस बंदे को ढूंढना है जिसने स्पीड की जो वायलेंस की होगी, जिसने गाड़ी ओवर स्पीड किया होगा, और उसी के पास वो जी टाइप गाड़ी हमें मिलेगा। सो इस हमने जिस लड़की को स्कैन किया है, ये हमारी वो आज मतलब इसके पास वो गाड़ी नहीं है, बट ये जो है स्पीड ऑफेंसेस वाला ये बंदा चैड मुलिगन है, यही है जिसको हमें पकड़ना है। तो हमें मिल गया है वो बंदा, हेलीकॉप्टर के कैमरा ने उसको डिटेक्ट कर लिया है अभी, लेकिन हमें इसका पीछा करना है। और पीछे जैसे मैं तो हेलीकॉप्टर में ड्राइवर बैठा है, लेकिन जो कार से है इसका पीछा करने के लिए हमें फ्रैंकलिन को भेजना पड़ेगा। तो चैड मुलिगन को पीछा करने के लिए हमने फ्रैंकलिन को काम पर लगाना है, और फ्रैंकलिन इसको देखेगा। तो वो गली से निकलते हुए चैड मुलिगन अपने लोग गैराज के पास पहुँचता है, तो उसी टाइम पर फ्रैंकलिन भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन फ्रैंकलिन को देख के वो डर जाता है और अपने गैराज में चला जाता है भाग के। और फिर वो अपनी जो जी टाइप गाड़ी, जो सबसे महंगी गाड़ी है जिसका कीमत बहुत ज़्यादा है, वो लेके भाग जाता है। और ये कार जो है ये काफ़ी बैटमैन से मिलता हुआ कार है, कि बैटमैन की जैसी गाड़ी होती है, बैटमोबाइल वैसा दिखता है। सो वो गाड़ी लेके भाग जाता है और हमें उसे ढूंढना है। सो रोड पे नज़र रखते हुए हेलीकॉप्टर से हम ऊपर से देख रहे हैं कि वो भागे जा रहा है, और पुलिस ऐसे ही हमें पकड़ती है जब हम ओवर स्पीड या कोई ऑफेंस करते हैं। सो इसी तरह से भागते भागते वो एक बिल्डिंग में छुप गया है, और इस बिल्डिंग में हमें वो दिख नहीं रहा है कहाँ। तो ड्राइवर कोशिश करता है कि बिल्डिंग के आर पार देखने की, बट उसे दिख नहीं पाता है कि वो है कहाँ छिपा हुआ। सो ड्राइवर के जो हेलीकॉप्टर है उसमें एक और चीज़ होती है, वो अल्फ्रारेड रेस करके इंफ्रारेड जो होता है उसको यूज़ करके हम पता करेंगे कि वो आदमी कौन है। सो ये आदमी कुछ बैठा हुआ गाड़ी में दिख रहा है, मुझे लग रहा है यही वो है जिसे हमें पकड़ना है। तो यही चीज़ हम ड्राइवर जो है उसको बता देता है, और वो जाके फ्रैंकलिन जो है उसे ढूंढ लेता है। और इस जी टाइप गाड़ी हमें चुरानी है, और उस बंदे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो गाड़ी चुरानी है। तो हम किसी तरीके से उस बंदे से चुपचाप वो गाड़ी, और उस गाड़ी कितना यूनिक सा है, वो विंटेज कार की तरह दिख रहा है, लेकिन ये गाड़ी बहुत महंगी बिकती है, इसलिए इसको चोरी करना बहुत ज़रूरी है, हमें पैसे चाहिए। फिर जैसे ही गाड़ी चोरी हो जाता है, फ्रैंकलिन मॉली को कॉल कर देता है कि गाड़ी हमें मिल गया, तो गाड़ी को कहाँ पहुँचाना है। तो गाड़ी को पहुँचाने के लिए वो एक लोकेशन बताते हैं हमें, कि वो शायद एयरपोर्ट के पास हमें देख के पहुँचाना है गाड़ी को। सो गाड़ी लेके फ्रैंकलिन निकल जाता है एयरपोर्ट के पास, और काफ़ी स्पीड में जाना, और गाड़ी को स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए, उस तरीके से हमें गाड़ी चलाना है। तो गाड़ी को लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है फ्रैंकलिन, और काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाना है। और ये देखो गलती से हमसे टूट गया है, बट थोड़ा बहुत स्क्रैच चल सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं होगा। तो ऐसे करते हुए हम एयरपोर्ट पहुँच गए, एयरपोर्ट में हमने गाड़ी पहुँचा दी है अपनी। मिशन काफ़ी एक्साइटिंग था, और इस बंदे ने हमें मतलब पैसे देने से फिर मना कर दिया कि अभी नहीं मिलेगा, बट तुम हमारी गाड़ी लेके चले जाओ। तो उसको ये गाड़ी मिल गया है, और गाड़ी मिलने के बाद फ्रैंकलिन मज़े से घूम रहा है, लेकिन उसको पैसे की उम्मीद है, जो कि पैसे नहीं मिल रहे। सो वो दोबारा पूछता है कि मेरे को पैसे कब मिलेंगे, तो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे अभी। सो ये जो माफिया जिसके लिए काम करता है फ्रैंकलिन, उसके पास अपनी प्राइवेट जेट है जो कि पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं, और ये उसी प्राइवेट जेट से अब निकल जाएगा। और इसके जो गार्ड्स हैं काफ़ी सिक्योरिटी टाइट रहती है, और मॉली उसी के साथ रहती है। तो पैसे जो मिला नहीं, तो उसको बोला कि मिल जाएगा, कोई बात नहीं। सो ये लाइफ लेसन कह के वो उसको चला जाता है। सो इसके बाद फ्रैंकलिन उससे बात करता है कि मुझे पैसे दे दो, बट वो बोलता है कि हम दे देंगे थोड़े दिनों के बाद। सो पांच गाड़ी में से तीन गाड़ी हम तो उसे लौटा ही देते हैं, बट कुछ गाड़ियां रह गई हैं, दो और गाड़ियां रह गई जो हमें इनको देना है, जो कि हम बाद में वो मिशन करेंगे। फिलहाल तो हम जो फ्रैंकलिन होता है वो उनकी एक गाड़ी लेके निकल जाता है एयरपोर्ट से, और फिर हम लोकेशन पहुंच जाएंगे।
सो ये मिशन का नाम था आई इन द स्काई। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।